और उस डायग्राम के अंदर आपने माइटोटिक फेस और इंटरफेस को एक्सप्लेन करना है जो इंटरफेस है उसके अंदर जो हमारे पास जी वन फेज़ होती है जी नॉर्थ फेस होती है एस फेस होती है, होती है। उन तमाम को जो है वो एक्सप्लन करना है और हर फेस को यानी कि अगर मैं जी वन फेज को एक्सप्लेन करूँ तो उसको जो है मैं टू टू थ्री लाइन में फ़र्दर एक्सप्लेन करूँगी यानी आपने इसमें तीन काम करने हैं पहली हेडिंग में आपने तो सेल साइकिल लिखना है फिर दूसरी हेडिंग के अंदर जो है वो आपने बताना है कि सेल साइकिल के अंदर कौन सी दो फेसेस होती हैं और हर फेज के अंदर जो है उसको आपने ब्रीफली फर्दर एक्सप्लेन करना है और साथ आपने इसके डायग्राम बनाने क्योंकि सवाल के अंदर उन्होंने डायग्राम की रिक्वायरमेंट शो की है और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर सिक्सटी सेवन पे गिवन है सेकेंड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल राइट द मेन फीचर ऑफ माइटोसिस इन ब्रीफ राइट वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन योर लाइफ अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं पहले हमने माइटोसिस की डायग्राम्स बनानी है इनके सारे फेजेस की जो है वो डायग्राम्स एक्सप्लेन करनी है और उनके साथ साथ उनकी जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करनी है आप तो माइटोसिस बताया कि माइटोसिस एनिमल सेल में क्या है दूसरी हेडिंग में आपको तो बताना है कि माइटोसिस की मेन फ़ीचर्स क्या होते हैं एंड बाई मेन फीचर्स आई मीन कि वो कौन कौन सी फर्दर स्टेजेस होती हैं फिर आपने तीसरी हेडिंग बनानी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जिनके अंदर आप बताएंगे कि ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है जिनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और वो जो फर्दर आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर सिक्सटी एट पर गिवन है थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मियोसिस इन एन एनिमल सेल एलेबरेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम अगर यहाँ पर लेबल डाइग्राम ना भी हों तो आपने हमेशा जब भी सेल साइकिल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो डायग्राम्स मस्ट बनानी है क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस जितनी अच्छी आप एग्जामिनर को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप लिख कर नहीं कर सकते सो दैट से पहले आप बताओ कि म्यूसिस होती क्या है इसको आपने टू टू तो थ्री लाइन्स में एक्सप्लेन करना है फिर एनिमल सेल की बात की यानी कि आपने नॉर्मल सेल्स को ड्रॉ करना है और उनकी जो फेजेस हैं म्योसिस के अंदर जो म्यूसिस वन म्यूसिस टू उनको आपने एक्सप्लेन कर देना और हर स्टेज की आपने डायग्राम बनानी है मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आपने म्यूसिस वन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है जबकि म्योसिस टू के अंदर आप लोग वन सिंगल लाइन में भी जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर सेवेंटी वन पे गिवन है फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस अब अगेन यहाँ पे डिफरेंस का पूछा गया तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की और जैसे आपकी बुक के अंदर वो जो टेबल गिवन है जिसके अंदर माइटोसिस एक साइड पे और दूसरी साइड पे मियोसिस है और उनको आपने एक्सप्लेन किया हुआ है तो इसमें आपने जो है वो पॉइंट्स लिखने और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एट टू नाइन पॉइंट्स इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर सेवेंटी फोर पर गिवन है फिर हमारे पास है नेक्रोसिस एंड एपोपटॉसिस को कंपेयर करना है अब कंपैरिजन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो आप इसको सिंपल हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें या आप कंपैरिजन के लिए इस तरह से जो है वो लाइन ड्रा करके इन्हें कंपेयर कर दें तो फिर आपने पहले बताना है नेक्रोसिस होती क्या है एक्सप्लेन करना है कहाँ होती है उसकी कंडीशंस को फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है कंडीशनस कौन कौन सी होती है नेक्रोसिस की और फिर आप जो है अगर टाइम बचे तो वो आपने प्रोसेस को जो है वो टू टू थ्री लाइन्स में आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है पहले यानी कि नेक्रोसिस क्या होती है कंडीशन यानी कि कब होगी जैसे जब सेल की सडन इंजरी हुई है या कोई प्रेशर पड़ा है टिश्यूज पे और टिश्यूज जो है वो ब्रश किए वो कंडीशन में आएंगी फिर आप तो उसके प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है इसी तरह एपोपटॉसिस के अंदर भी आपने फर्दर तीन हेडिंग्स पर जानी है और उनके अंदर इन्हें एक्सप्लेन करना है और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर सेवनटी फाइव पे गिवन है अगर आपने इसी तरह कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करना है तो पहले यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है डेफिनेशन की और फिर आपने इधर नेक्रोसिस की डेफिनेशन लिखी और इधर एपोपटास की फिर आप बताएं कि उनकी जो है वो कंडीशंस क्या होती हैं तो कॉजिज या कंडीशंस के क्यों होती हैं तो फिर आपने ये बता देने है इसे टू टू थ्री लाइन में और थर्ड जो है वो आपका जो प्रोसीजर है उसको आपने इधर जो है वो एक्सप्लेन कर देना है इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी दिस इज लाइबर तारीफ फ्रॉम टिटर डॉट पी के साइनिंग ऑफ सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर